Welcome back to my channel again, Cyber Bugs. We are finding bugs, that's why we are Cyber Bugs. तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल लैब दिखाऊंगा एथिकल हैकिंग के लिए. तो ये जो लैब है ये टोटली फ्री है, ठीक है. और ये लैब उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एथिकल हैकिंग में एंटर करना चाहते हैं या फिर एक डेवलपर है, ठीक है. तो ये जो लैब है, ये लैब का नाम है hacksplanning.com. तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लैब है और ये एकदम फ्री है, आपको कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा. और इससे आप OWASP टॉप 10 के साथ साथ बाकी वल्नरेबिलिटीज़ भी आप कवर अप कर सकते हो. और ये जो लैब है वो फुल्ली प्रैक्टिकल होता है, कोई भी यहाँ पे थ्योरी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है. हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीज़ें समझो कि कैसे क्या होती है, कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं. क्विज़ भी होता है इसके साथ साथ में, काफ़ी अमेजिंग चीज़ है. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको लेसन्स में जाना है. लेसन्स में जाने के बाद यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 हाँ टोटल OWASP टॉप 10 आपको देखेंगे. उसके नीचे अगर आप देखोगे तो अदर वल्नरेबिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ता है, सिंपल. कोई भी पेमेंट नहीं है, ठीक है. एक्स्ट्रा वल्नरेबिलिटीज़ के भी आपको कोई पेमेंट नहीं देने पड़ते. पहले आई थिंक हैकिंग ये जो हैक्स प्लानिंग है इसके ना सिर्फ OWASP टॉप 10 ही होते थे, लेकिन अभी इन्होंने बाकी के वल्नरेबिलिटी के भी लैब्स जो है वो लाए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा है एक बिगिनर लेवल के लिए. तो यहाँ पर सिंपल आपको साइन अप कर लेना है. अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ें, ठीक है. तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ. सिंपल ईमेल पुट करता हूँ मैं यहाँ पे. अब मैं श्योर नहीं हूँ कि यही ईमेल है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ईमेल है तो कंफ्यूजिंग हो जाता है. ठीक है, मॉम ट्री कैप्चा वेरिफिकेशन लॉगिन, ओके. तो यहाँ पे देखो, सक्सेस लॉगिन हो चुका है, ठीक है. यहाँ पे 13% मेरा जो ट्रेनिंग है, जो मेरा लर्निंग है, वो कंप्लीट हो गया है, ओके. एंड यहाँ पे देखो, बाकी के वल्नरेबिलिटीज़ भी आपको एक्सेस करने मिल जाते हैं, ठीक है. तो अगर आप एज अ पेन टेस्टर बनना चाहते हो, वेब पेन टेस्टर या बग बाउंडी करना चाहते हो, तो ये एक बिगिनर लेवल के लिए आपके पास जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है. और लैब्स यहाँ पे मिलते हैं ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर सको, ठीक है. OWASP टॉप 10 पे आप जैसे क्लिक करोगे तो OWASP टॉप 10 में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ आती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है स्टेप बाय स्टेप. एंड यहाँ पे PSI कंप्लायंस है, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. तो आप ये भी चेक कर सकते हो PSI कंप्लायंस को. एंड इनकी बुक भी है, ठीक है. ये बुक का नाम है वेब सिक्योरिटी फॉर डेवलपर्स, ओके. तो इनकी जो बुक है वो वेब सिक्योरिटी फॉर डेवलपर्स के नाम पे है, आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो. तो यहाँ पे मैं वापस लेसन्स में जाता हूँ, ठीक है. और अगर आपको लैब को एक्सेस करना है तो सिंपल आपको उस वल्नरेबिलिटी पे क्लिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पे SQL इंजेक्शन है, ठीक है. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलती है, उसके साथ साथ प्रिवेंशन मिलता है कि कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे क्विज़ भी होती है, ओके. यहाँ पे आपकी जो लैब है वो स्टार्ट हो जाती है. अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जो हैक्स प्लानिंग है उसको सारे की सारी लैब जो है वो हिंदी में एलोबरेट करूँ, ताकि आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि एग्जैक्टली हम लोग इस वेब पेन टेस्टिंग पे या फिर बग बाउंटी में क्या करने वाले हैं, ओके. तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ हैक्स प्लानिंग का. अगर आप चाहते हो कि बग बाउंटी आपको हैक्स प्लानिंग की पूरी एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, तो मैं वो चीज़ भी आपको करके दिखाऊंगा. एक सारी के सारी प्लेलिस्ट इसके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है. तो यहाँ पे एज अ एग्जांपल, यहाँ पे सबसे पहले user@gmail.com. तो यहाँ पे देखो, एग्जांपल मैं user@email.com पुट करता हूँ, ठीक है. ये आपको साइड बाय साइड गाइड भी करता है कि आप कैसे अटैक परफॉर्म कर सकते हो. तो यहाँ पे इसने मुझे कहा है कि ईमेल और पासवर्ड पुट करने के लिए. लॉगिन करता हूँ. लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप में इसने पासवर्ड के बाद कॉमा डालने के लिए कहा है, मैं वो पुट करता हूँ, ठीक है. अगर इसको मैं एलोबरेट करूँगा तो आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊँगा, ठीक है. तो इसे मैं नेक्स्ट
करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लॉग्स जनरेट होते हैं, देन ये कोड बेस पे एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद वापस से मैं इसके अंदर पेलोड इंजेक्ट करता हूँ और 1=1 डैश डैश लॉगिन। ठीक है, ये देखो अब मुझे बैंक का जो अकाउंट्स एक्सेस है वो मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी जो लैब है वो कंप्लीट हो जाती है। अब लैब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलता है कि आप कैसे क्या एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या रिस्क है। ठीक है, और अदर मिटिगेशंस भी होते हैं इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं दिया होता है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ करते हो तो यहाँ पे आपको क्विज मिलता है। ओके, और ये क्विज जो है वो हेल्पफुल होता है आपके लिए कि आपने सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझा है या नहीं समझा है। ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी इसके जो आंसर है वो पता है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, तो यहीं अपनी जो हैक्स प्लानिंग है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, आप एक एक करके वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैं इसके लिए भी अलग सीरीज बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।